हेलो एंड वेलकम गाइस, सागर सज्जल ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग जो है काफी ज्यादा खास होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस ये ब्लॉग जो है ट्रैवलिंग ब्लॉग होने वाला है और ये ब्लॉग जो है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। इसका दो रीज़न है। फर्स्ट रीज़न ये है कि हम जो है महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जा रहे हैं, जो महाकाल की नगरी जो उज्जैन है वहाँ जा रहे हैं। और दूसरा रीज़न है 3 AC में फर्स्ट टाइम मैं जो है ट्रैवल करने वाला हूँ, तो ये मेरे लिए जो है फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा। इससे पहले जो है मैंने जर्नल और या फिर स्लीपर में ही ट्रैवल किया है, तो ये मेरे लिए जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और काफ़ी ज़्यादा खास ट्रैवलिंग होने वाली है। तो गाइज इस ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो गाइज वीडियो में बने रहें और देखते रहें। और जो भी नए हैं वो अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी बहुत शानदार ट्रैवलिंग से लेकर या फिर रहस्यमय जगहों की वीडियोस आने वाली है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस जिस ट्रेन में हम ट्रैवल करने वाले हैं वो ट्रेन जो है स्टेशन पहुंच चुकी है और जो है मैं ट्रेन के अंदर इंटर करने वाला हूं। तो गाइस ये मेरे लिए जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो गाइस आप खुद देख सकते हो। तो गाइज ये रही मेरी सीट और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है और इंडियन रेलवे की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो है सुविधाएं दी गई है। तो गाइज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 3 AC में जो है आपको प्लेन की इकोनॉमी क्लास की फील ज़रूर मिलेगी। और गाइज जो है मेरी ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा है और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई है और कितना अच्छा है, मतलब लाइटिंग वगैरह सब कुछ। 3 AC में जो है आपको फुल कम्फर्टनेस मिलेगी। इसमें जो है आपको अगर गर्मी का मौसम है तो आपको जो है अंदर ठंडी लगेगी और अगर आप ठंडियों का मौसम है तो आपको गर्मी लगेगी। हमने जो है ये ठंडियों के टाइम में ट्रैवल किया है, तो हमें यहाँ पर जो है बिल्कुल भी ठंडियों का एहसास नहीं हो रहा, हमें बिल्कुल बहुत शानदार लग रहा है, अच्छा लग रहा है। रोबे वाली व्यवस्था बताओ है तो आराम से बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ भाई, टेढ़े होके क्यों बैठे। क्या बना, क्या लाए? जो जो तम जो क्या वो बनिए है, क्या करना दिखाओ दिखाओ क्या है मम्मी ने रख दिया, क्या 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 है बताइए तो बता। अच्छा चने, अरे वाह चने मेरे को कैसे फायदा होता है, अब दूध में और क्या होता है और फायदा। फेवरेट हमारी सब्जी है, सब्जी कौन सी? अरे वाह फेवरेट लौकी फेवरेट है। अरे तुम जो खाएंगे बाद में खाएंगे, अभी तो रखो। भाई किस साइड हाथ धोकर आए, किस साइड आए हाथ धोकर? हम नीचे से हमने ढक्कन खोला है। हां भाई कौन पॉपकॉर्न खिला रहा था? हां पॉपकॉर्न खा रही थी ना, कौन खिला रहा था हमको? एक ही सॉकेट में तीनों का चार्ज होगा, तीनों का फोन ये बताइए, ये तो पहले तो बताओ, एक ही सॉकेट में तीनों का फोन चार्ज होगा? नहीं पांच। तुम्हारा तुम्हारे साइड सॉकेट नहीं है चिंटू भाई? हम भी हैं तुम्हारे साथ। आप भाई साहब किशोर जी आए पन्ना पन्ना क्या।
तो गाइज मैं अपने घर से जो है खाना लाना भूल गया था। फ्रेंड की मम्मी ने जो है काफ़ी ज़्यादा खाना पैक कर दिया था, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग ऐसी लापरवाह है, तो उन्होंने पैक कर दिया था काफ़ी सारा खाना, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। गाइज अभी जो है फुल डिस्को वाली फीलिंग आ रही है, आप जो लाइट देख रहे हो बिल्कुल डिस्को लाइट टाइप की है, बस डीजे की कमी है। गाइज रात को जो है मुझे थोड़ी ठंड लगी है, क्योंकि घर से मैं शॉल या फिर कंबल कुछ भी लाना भूल गया था। ये लोग तो लेकर आए थे, इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो गाइज हम उज्जैन पहुंचने वाले और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इससे पहले मैं 4-5 बार आ चुका हूँ उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि इस बार हम जो है महाशिवरात्रि को आए हैं। और आपको जैसे कि पता है कि महाकाल जो है उज्जैन के राजा हैं, और आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर उज्जैन आओ तो महाशिवरात्रि को ज़रूर आओ, क्योंकि महाशिवरात्रि को पूरे उज्जैन को जो है दुल्हन की तरह सजाया जाता है। तो गाइस देबू जो है अपना बैग अंदर भूल गया है, और यहाँ पर जो है काफी लोग उतर रहे हैं अभी, और अभी सभी लोग जो है यहाँ पे महाकाल के मिनिमम जो है इस ट्रेन के मिनिमम लोग जो है उज्जैन आए हैं महाकाल के दर्शन के लिए। जैसा कि आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि आप अगर उज्जैन आओ और अगर आप महाकाल के दर्शन करना चाहते हो तो आप महाशिवरात्रि को ज़रूर आओ, क्योंकि इस दिन जो है पूरे उज्जैन को दुल्हन की तरह सजाते हैं। और मैं इंडियन रेलवे को भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, 3 AC में सफ़र करने में काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टनेस है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनको जो है दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और मेरा पैसा जो है वसूल हो चुका है। हमको सीधा चलना, सीधा 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 चलो। तो गाइज हम उज्जैन पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो। इसके बाद जो है हम महाकाल के दर्शन के लिए जाएंगे। तो गाइज मैं फुल पूरी कोशिश करूंगा कि मैं महाकाल के दर्शन का फुल ब्लॉग मैं आप लोगों के सामने लाऊं, तो ये ब्लॉग जो है नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, हेल्दी रहें।